हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th में बीमाओं की सीमाएं बताऊंगा आपको। तो क्लास 11th साइंस बीमाओं की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ डायमेंशंस, लिमिट्स ऑफ डायमेंशंस। तो पहला तो ये है इसका, फर्स्ट विमीय विधि से ऐसी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया जा सकता है जो MLT पर निर्भर करती हैं। तो ये केवल MLT तक ही सीमित है। अगर मान लो कि इसमें और राशियां कहीं एक आ जाती हैं तो फिर उसको स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो MLT के अलावा अगर सामान्य राशियां आ गई तो ये सूत्र, हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन MLT। दूसरा, यदि किसी सूत्र में राशियों का योग या व्यकलन हो तो इसे विमीय विधि से विमीय विधि से संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कि कई एक सूत्र ऐसे होते हैं जिनमें राशियों को जोड़ देते हैं, घटाते घटा के निकालते हैं। जैसे समीकरण, भाई चली गई दूरी s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इससे प्लस सिन जो आ रहा है उसके बाद की जो राशियां हैं उनको हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते। तो केवल हम उन्हीं संबंधों को स्थापित कर सकते हैं जिनमें राशियों का गुणा और भाग आता हो। तीसरा, यदि किसी सूत्र में त्रिकोण मिति अनुपात, त्रिकोण मिति अनुपात का मतलब जैसे साइन कॉस टेन आदि और लघुगणक
लॉग आदि हो तो इसे विमी विद से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगर ये किसी में आते होंगे तो हम इनसे सूत्रों की स्थापना इसमें नहीं कर सकते हैं। तो चौथा किसी नियतांक का मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको एक सूत्र बताया था गतिज ऊर्जा का स्थापित करने के लिए कि जो आपका E इक्वल टू के एमवी स्क्वायर, अब K का मान कितना होगा ये अपन को इस विधि से ज्ञात कुछ नहीं होता है। अगर आप जानते हैं पहले से तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो फिर उसमें इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, जानने का कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से ये लिमिट्स हैं जहाँ पर हम बीमाओं का यूज़ कर सकते हैं, और इससे अगर कुछ हट करके हैं, अगर ये कुछ इसमें इस तरह का आता है तो हम वहाँ पर विमीय विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।